नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रूबरू कराते हैं खास खबरों से। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, इसे लेकर घर से ऑफिस जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारे की अगर बात करें तो दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। वहीं महीने की आखिरी तक दिल्ली को 2 डिग्री तक टॉर्चर झेलने को मिल सकता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़ककर 3 डिग्री पहुंच गया। पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार गिर रहे तापमान और शीतलहर के कारण आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिंदुस्तान के पहाड़ जम चुके हैं, नदी नाले ठंड से ठहर गए हैं। पहाड़ों पर तापमान -डिग्री पहुंचने से देश के कई राज्यों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। हालांकि सूत्रों की माने तो दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया, जबकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय दिल्ली में बुलाया गया था। दरअसल ममता बनर्जी ने कोरोना का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली जाने से असमर्थ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ शरारती तत्वों ने पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए ओएलएक्स पर डाल दिया। कार्यालय की तस्वीर खींचकर ओएलएक्स पर डाल दी गई और इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। और तो और ओएलएक्स पर जो विज्ञापन दिया गया उसमें दफ्तर के अंदर की जानकारी, कमरों, पार्किंग की सुविधा और अन्य सभी बातें भी बताई गई। मामले के पुलिस के संज्ञान में आते ही विज्ञापन को हटाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फोटो खींचकर ओएलएक्स पर डाली थी वो भी गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में पुलिस की ओर से बयान दिया गया और क्या कुछ कहा गया पुलिस की ओर से, आइए आपको सुनाते हैं। कल हमारे संज्ञान में आया कि थाना भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके ओएलएक्स वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में एफआईआर दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यालय बनाया हुआ है जहां लोग अपनी परेशानियां बताने के लिए आते हैं। पीएम मोदी का ये कार्यालय वाराणसी से भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में है। 125 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस सामने आए। 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 22,890 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं 338 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। देश में रोजाना आने वाले नए केस की संख्या भले ही कम हो रही हो लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हर राज्य में नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट चुनावी रैली और प्रचार के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रैली में कोरोना नियम के पालन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होगी। कोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं लिए हैं वो तत्काल 4 हफ्ते के भीतर एनओसी लें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर 4 हफ्तों में अस्पताल फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।